हाय गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया ही होंगे। मैं भी बढ़िया ही हूँ। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है मैथ्स का, प्राइम नंबर्स। लाइक चेक चेक करना है हमें प्राइम नंबर्स, कैसे कोई नंबर प्राइम है कि नहीं, प्राइम नंबर्स क्या होता है, ये सब देखना है। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड आउट इफ अ नंबर इज प्राइम, ऑल्सो वॉट इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है, तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर है ना जिसको या तो वो खुद या तो वन डिवाइड कर सकता है। बेसिकली मतलब वन तो किसी को भी डिवाइड कर सकता है, और वो खुद भी किसी को भी। लाइक हर नंबर वन और पी तो डिवाइड, वन और लाइक कोई भी नंबर एन है मान लो, तो वन और एन तो डिवाइड करती ही है एन को, राइट? सो अब तो प्राइम नंबर का मतलब यही है कि वन और एन ही बस डिवाइड करे और कोई डिवाइड ही ना करे। ठीक है, तो ये चेक करना कि बेसिकली ये है। तो मान लीजिए कोई भी नंबर पाँच, पाँच पाँच को आप कोई भी नंबर देख लीजिए, डिवाइड नहीं करता। एक और पाँच छोड़ के सात, एक और सात छोड़ के कोई नहीं डिवाइड करता। 11, 13, 19, 17, ऐसे ये नंबर्स हैं जिनको कोई नहीं डिवाइड करता है बस। ठीक है, तो हाँ, तो कैसे निकालना कैसे है? लास्ट वीडियो में हमने डिवाइजर के बारे में पढ़ा था, राइट? तो लास्ट वीडियो में हमने अगर डिवाइजर के बारे में पढ़ा था तो डिवाइजर से हम सोच सकते हैं क्या? ऑब्वियसली सोच सकते हैं कि जिसका नंबर ऑफ डिवाइजर्स 2 होगा वही है। ठीक है, क्योंकि लाइक 2 तो सबके होंगे, है ना? 2 तो एटलीस्ट सबका होगा, 1 और n तो सबका होना ही है। तो जिन जिन का जिन जिन नंबर का 2 होगा उन उनका सोच लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे डिवाइजर वाले कोड लिखेंगे वापस। ठीक है, ट्रेन इंट डिवाइजर, ठीक है, डिव लिखते हैं, और ओ एन सोल्यूशन जो है अभी लिख रहा हूँ मैं, इफ एन मॉड्यूलो आई इक्वल टू इक्वल टू, ये डिवाइजर वाला कोड है, आपको पता होना चाहिए। तो डिव डॉट पुश बैक एन बाई आई एफ, सॉरी आई आई माई बैड, इफ डिव इफ एंट डिव डॉट साइज इक्वल टू इक्वल टू 2, सी आउट बोल देंगे प्राइम है, वरना बोल देंगे एल सी आउट नॉट प्राइम। ठीक। तो देख लेते 20 प्राइम है कि नहीं, देख लेते एक बार ना। कोई नंबर 17, जैसे हमने वो डिस्कस किया था, 17 क्या पता कोई डिवाइड करता हो, नहीं करता है वैसे तो प्राइम। ठीक है, तो ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर मान लीजिए ये नंबर एन प्राइम नहीं है, ठीक है, तो हमारा स्पेस बहुत यूज हो जाएगा, हमें इतना स्पेस यूज नहीं करना है। ठीक है, ओ एन में डिस्कस कर रहे हैं, इतना स्पेस यूज ही नहीं करना है हमें, हर बार सेव नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर एन बाई आई है तो हम एक नया वेरिएबल फ्लैग बना सकते हैं। ठीक है, फ्लैग, और फ्लैग इक्वल टू 1 का मतलब है कि प्राइम है, फ्लैग इक्वल टू 0 का मतलब है प्राइम नहीं है। अगर एन मॉड्यूलो आई इक्वल टू 0 हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फ्लैग मतलब इसका मतलब यह है कि प्राइम नहीं है, डिवाइड कर दिया तो फ्लैग हम 0 कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कभी ऐसा कोई आई आता ही नहीं है तो, और ये भी हमें लिखना पड़ेगा 2 और n, क्योंकि 1 और n तो सबको खुद को मतलब 1 और n तो सबको डिवाइड कर देता, कोई प्राइम 5 को भी 1 और 5 तो डिवाइड कर ही देंगे ना। तो बेसिकली 2 से n-1 तक चलना है अपने को, और देखना है कि डिवाइड करते हैं कि नहीं। और इफ फ्लैग इक्वल टू इक्वल टू 1, तो हमें पता है कि यार है अब प्राइम, क्या कर सकते हैं, जो है सो है, वरना प्राइम नहीं है, है ना? क्लियर, देख लेते वापस 17 है कि नहीं भाई, प्राइम है। 16 है क्या? आपको पता ही है 16 बहुत बहुत नंबर से डिवाइड होता है, नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है, तो ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वापस आप बताओ सोच के, ओ ऑफ एन है। ठीक है, तो जैसे हम डिवाइजर फाइंड करते थे, डिवाइजर ही फाइंड कर रही है एक तरह से, नहीं ये काम में, तो वैसे हम इसमें भी स्क्वायर रूट ऑफ एन तक चल सकते हैं ना। हमें डिवाइजर ही तो देखना है कि अगर डिवाइजर है इस नंबर का वन और एन छोड़ के, तो प्राइम नहीं है, यही हमें प्रूफ करना है ना, यही हमें देखना है ना। तो अगर वन और एन छोड़ के कोई प्राइम
नहीं है तो बस ठीक है, तो बढ़िया, लेट्स सी कैसे करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ एन तक चलते हैं 2 से, और अगर कोई भी नंबर डिवाइड करता है बस काम हो गया, बस इतना ही था और कुछ नहीं है। क्यों स्क्वायर रूट ऑफ एन तक चल रहे हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप लास्ट वीडियो डिवाइजर वाला चेक कीजिए, उसके आपको एकदम क्लियरली समझ आ जाएगा क्यों हम स्क्वायर रूट ऑफ एन तक ही जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब लेट्स से कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 12 है, 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या है। प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि ओ ऑफ एन और ओ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन में कैसे काम करना है, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ एन, सॉरी सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ एन में कैसे काम करना है। ठीक है, कर लिया भाई। अब हमें डिस्कस करना है कि प्राइम फैक्टर्स, राइट। प्राइम फैक्टर्स, कोई भी नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। लेट्स से 12 है, ठीक है, 12 को आप 2 × 2 × 3 लिख सकते हो, तो 2 इज अ प्राइम, 2 इज अ प्राइम एंड 3 इज अ प्राइम। तो आप कोई भी नंबर को प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, दैट इज द मेन पॉइंट। तो 2² × 3, तो इसके 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 2 और 3, 16 के क्या आएंगे, 2 ही होंगे बस। क्यों, क्योंकि इसको आप 2 × 2 × 2 × 2 लाइक 4 2 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। 10 का आप बताओ क्या होगा, 2 × 5, 10 का हो जाएगा 2 × 5, राइट। तो 10 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 × 5। तो ये निकालना कैसे है देखते हैं। तो अगर आपको एक प्राइम फैक्टर मिल जाता है, लेट्स से हम 1 से 12 तक इटरेट कर रहे हैं, राइट, हम 1 से 12 तक इटरेट कर रहे हैं, और अपने को एक प्राइम फैक्टर मिल जाता है, लेट्स से 2, हमें पता चल गया कि 2 12 को डिवाइड करते हैं, तो हम 2 को बार बार डिवाइड करके, बार बार डिवाइड करके इस नंबर से हटा ही देंगे। लाइक 12 को हम 2 से डिवाइड कर करके 3 बना दें, अब 2 का कोई फैक्टर रहा ही, उसको 2 डिविजर रहा ही नहीं, है ना। अब हम अलग से देखेंगे कि 3 का क्या है, ऐसे चलता है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का फाइंड। आपको आई होप थोड़ा बहुत समझ आया होगा। इफ एन मॉडुलो आई इक्वल टू प्राइम फैक्टर डॉट पुश बैक, आई तो कर ही रहा है, वाइल एन मॉड्यूलो आई इक्वल टू 0 एन इक्वल टू एन बाई आई, ये करेंगे अपन, ठीक है, बस हो गया काम। बस अपने को प्रिंट कर देना है फॉर ऑटो एन प्राइम फैक्टर सी आउट आई, सी आउट एंडल, एक वेक्टर बनाना है, सॉरी, प्राइम फैक्टर का, प्राइम फैक्टर, ठीक है। 17 के प्राइम फैक्टर क्या है, 17, 16 क्या आएंगे, 2 होंगे, ठीक है, पता ही है। 20 के देखते हैं क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, राइट, 2 और 5। तो ऐसे चलता है प्राइम फैक्टराइजेशन का फाइंड, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ। एक एक और आपको मैं बता देता हूँ, आप सोचना है इसके बारे में थोड़ा, कि यही काम हम स्क्वायर रूट ऑफ एन में कर सकते हैं क्या, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये आप सोचिए कि आप इसी इस कमेंट सेक्शन में बताएं कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम स्क्वायर रूट ऑफ एन में कर सकते हैं या, और अगर आपको ये भी निकालना है कि कितनी बार कोई नंबर, कोई प्राइम फैक्टर आ रहा है, तो आप बेसिकली बस इसको अंदर डाल दीजिए, तो इससे आपको पता चल जाएगा। इसमें बस डिस्टिंक्ट आ रहे थे, इसमें जितनी बार 2 × 2 × 5, जैसे 12, 12 इज 2 × 2 × 3, राइट, तो 2 × 2 × 3 आएगा, बस 2 और 3 नहीं आएगा, बस वही 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 सेम चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप यही काम स्क्वायर रूट ऑफ एन में करके दिखाना और मेरे को बताना कैसे करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ऑब्वियसली क्यों नहीं शेयर करना है दोस्तों के साथ, सब बढ़ेंगे एक साथ, है ना। ठीक है, ठीक है गाइस, फिर इधर ही वीडियो एंड करते हैं। आप इसका सोल्यूशन सोचना, जरूर सोचना, अच्छा, मतलब
सब वो डिवाइजर वाले कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है काइंड ऑफ, तो आप सोचना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे।